लखीमपुर खीरी में सपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए सपा प्रत्याशी के द्वारा मंदिर पर भंडारा करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस के मना करने पर विधायक प्रत्याशी ने पुलिस से हॉटटॉक भी की। पुलिस को अपनी लंबी पहुंच का हवाला देते हुए धमकाया, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के साथ करीब 20 ज्ञात और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के साथ कई गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। दरअसल गोला विधानसभा के सपा प्रत्याशी विनय तिवारी टेढ़ेनाथ मंदिर पर अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी के द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए मंदिर पर भंडारा करवाया जा रहा था। सूचना पर पहुंचे कोतवाली मोहम्मदी के इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय के मना करने पर सपा प्रत्याशी ने इंस्पेक्टर से नोकझोंक की और अपनी बड़ी पहुंच का हवाले देते हुए धमकाया, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने विधायक प्रत्याशी विनय तिवारी के साथ करीब 20 और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं सपा प्रत्याशी ने इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय पर भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए अपने बचाव में वीडियो भी जारी किया है। मैं विनय तिवारी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। मैं आज टेढ़ेनाथ मंदिर में अपने परिवार के साथ और कुछ रिश्तेदार जो कि आए हुए थे रुद्राभिषेक करने गया था। वहां पर विवेक उपाध्याय जो कि मोहम्मदी के इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा अभद्रता की गई और उनका यह कहना था कि यहां पर सार्वजनिक आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, जबकि मैं मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए गया था। वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और जो उनका रवैया है, जिस तरीके से वहां पर खड़े लोगों को, भक्तों को इन्होंने रगदा कर दौड़ा करके इन्होंने मारने और पीटने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। क्योंकि धार्मिक स्थल पर जो तीर्थ स्थान हमारे विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही मशहूर स्थान है और वहां लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उस आस्था के साथ इस इंस्पेक्टर मोहम्मदी के द्वारा अभद्रता पूर्वक जो निंदनीय कार्य किया गया है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है, जिसका संज्ञान मैं माननीय चुनाव आयोग से ये एक अनुरोध के साथ करना चाहता हूं कि ऐसे इंस्पेक्टर को जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है उसको तत्काल प्रभाव से हटाने की जरूरत है।